हमारा देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यस, खूब पढ़े लिखो लेकिन पाकिस्तान में जाके मत पढ़ो। ऐसे ही UGC बात कर रहा है, उसी चीज पे प्रशांत धवन सर की वीडियो आई है, डोंट स्टडी इन पाकिस्तान। UGC ने जारी की चेतावनी, तो ये चेतावनी जारी जाके रखी कि पाकिस्तान में जाके मत पढ़ो। वैसे भी सेफ्टी के लिहाज से भी सही नहीं है, एजुकेशन तो बात की बात है, वहाँ पे जाके इंडियंस कोई भी सेफ फील नहीं कर सकता। देखते हैं इसी पे मिक्स मैसेज रिएक्शन। आपको मेरे रिएक्शन देखने में मजा आए तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने आर्टिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाकिस्तान की डिग्रीज, और ये ओपनली कहा है UGC और AICTE ने। AICTE आपको पता होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और UGC है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको पता होगा कि देश भर में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिकॉग्निशन देता है UGC। तो UGC ने ओपनली कह दिया है कि कोई जॉब्स आपको नहीं मिलेगी या फिर आपकी हायर एजुकेशन भी नहीं हो पाएगी अगर आप पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाते हैं। ये बात क्लियरली एक नोटिफिकेशन में बता दी गई है इंडियन स्टूडेंट्स को। इससे पहले आपको याद होगा मार्च महीने में एक और नोटिफिकेशन आई थी UGC की, जहां पे इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट चाइना में जाके पढ़ना चाहता है तो कॉशन रखिएगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और चाइना की जो ऑनलाइन डिग्रीज है उनको भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये बात UGC ने क्यों कही है, रिसेंटली क्या इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये बात बोली जा रही है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फाइनली प्रोजेक्ट 75 की जो छठी और आखिरी सबमरीन है ये तैयार हो चुकी है। आपको बताना है कि आखिरी सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 की, जो आज के समय न्यूज में भी है, इसका नाम क्या है? INS वर्षा, INS वीर, INS वेला या फिर INS वगशीर? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना जो ये बात बोली गई है कि पाकिस्तान में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, भारत में नौकरी के लिए या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए काम में नहीं आने वाले, ये सिर्फ इंडियन सिटीजंस को नहीं बोला गया, जो ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया है उनको भी ये बात बोली गई है। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, कि बहुत सी माइनॉरिटीज हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, हर साल पाकिस्तान से भागकर भारत में आते हैं, तो उन्होंने जो पढ़ाई कर रखी होगी, मान लो उनके बच्चे हैं, उन्होंने वहाँ पे 10वीं कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, उनका क्या होगा? देखिए, उनका केस अलग होगा। ये बात साफ साफ लिखी है कि जो माइग्रेंट्स हैं और जो उनके बच्चे हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त करी है पाकिस्तान में और जिनको सिटीजनशिप अवार्ड करी गई है, वो एक बार को इंडिया में जॉब सीख कर सकते हैं और हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं। मगर कोई इंडियन सिटीजन ऐसी उसके मन में आए कि चलो पाकिस्तान में पढ़ाई करता हूं, तो फिर वो वापस आएगा, वो इंडिया में जॉब नहीं कर पाएगा, ना उसको आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर एक बात बताइए, कोई आदमी जो इंडिया में रहता हो, वो इतना लकी है कि वो इंडिया में पैदा हुआ है, तब भी वो पाकिस्तान में पढ़ने के लिए क्यों जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, शायद कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी कहते हैं कि हमने चाइना को सरपास कर दिया है आबादी के मामले में, नहीं किया तो कुछ साल में कर देंगे, 1.4 बिलियन की आबादी है, तो कुछ लोग तो देखिए 200-250 के आसपास निकल जाते हैं जिनके मन में आता है कि जी पाकिस्तान में पढ़ना है, जी वहाँ पे उर्दू पढ़ेंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट है, बस शौक है कि पाकिस्तान में पढ़ के आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इनमें से जो मेजोरिटी परसेंट ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर की भी बहुत बड़ी आबादी है, उसमें से भी 100-150 के आसपास स्टूडेंट्स निकल जाते हैं जो पाकिस्तान में पढ़ना प्रेफर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरी पढ़ाई पाकिस्तान में करते हैं, कुछ साल पाकिस्तान में पढ़ लिए फिर वापस इंडिया में आ गए। और 2020 में ये टॉपिक काफी हद तक न्यूज में भी था, जब हमको बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं COVID-19 के टाइम में इनको वापस लाना पड़ा फ्रॉम पाकिस्तान, और कई इंडियन स्टूडेंट्स थे जिनको एग्जाम देने के लिए पाकिस्तान जाना था, तो इनके लिए प्रोटोकॉल बनाए गए कि कैसे सेफली ये जाएंगे पाकिस्तान में, इंडिया में कैसे आएंगे, बबल्स कैसे बनाए जाएंगे, तो ये इशू काफी हद तक न्यूज में था। तो बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जाते हैं, रफली मैक्सिमम आप कह लीजिए 250 के आसपास होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मगर भारत सरकार की ड्यूटी है कि हर एक जो भारतीय नागरिक है इनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और इंश्योर किया जाए कि इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि UGC क्यों कह रहा है कि देखिए पाकिस्तान में प्रेफर करिए कि आपकी पढ़ाई ना हो, कहीं और पढ़ लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कब खराब हो जाए किसी को पता नहीं होता, बॉर्डर पे टेंशन बनी रहती है, इवन दो सीज फायर आज के समय मेंटेन किया जा रहा है, ये बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हफ्ते भर में भी सिचुएशन खराब हो जाए। तो उस टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रह गए, या फिर कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, इंडिया में वापस आए हैं कुछ समय के लिए, उनकी पढ़ाई अटक जाएगी कई सालों तक, ये बात रियलिटी है। और उसके अलावा
अब पेंडेमिक आपको बताया होगा वापस फिर से फैल रहा है, COVID-19 फिर से बताया जा रहा है कि फैल रहा है, तो उस केस पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वापस आए हैं कुछ टाइम के लिए, वो वापस पाकिस्तान में फिर एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाएंगे, तो प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है बिकॉज ऑफ बैड रिलेशंस, बिकॉज ऑफ COVID-19। उसके अलावा पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा खतरा है आतंकवाद का। जो इमरान खान की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान तालिबान के साथ ये बैठ के बात करेंगे, एक बार को तो पाकिस्तान तालिबान के साथ सीज फायर भी कर दिया, ये बुरी तरीके से बैकफायर हुई है। पाकिस्तान तालिबान के लोग ओपनली पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार रहे हैं और मजबूरी में आकर रिसेंटली आपको बताया होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स को अफगानिस्तान की बॉम्बिंग भी करनी पड़ी इस उम्मीद से कि कुछ आतंकवादी ये लोग मार लेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली उस पूरी एयर स्ट्राइक्स में सिर्फ जो इनोसेंट लोग हैं सिविलियंस हैं वही मारे गए। तो आतंकवाद को लेकर सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बदतर होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। फिर अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना में सिचुएशन ऑब्वियसली इतनी खराब नहीं है, मगर चाइना में जो भारतीय स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। अब रिसेंटली आपको बताया होगा जब सबसे पहले COVID-19 वुहान में फैला था कितनी प्रॉब्लम्स आई थी इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने में। आज भी आप अगर देखो तो कई भारतीय छात्र हैं चाइना में फंसे हुए हैं और चाइना कंप्लीट लॉकडाउन लगा के बैठा है शंघाई में, उसके अलावा कई और शहरों में, और लॉकडाउन आपको बताया होगा चाइनीज गवर्नमेंट का बहुत सख्त होता है। हमारे देश की तरह ये लोगों की सहूलियत का नहीं सोचते, यहाँ पर सरकार ने पॉलिसी बना दी तो बना दी, उसको फिर एनफोर्स किया जाता है टू द टी। और रिसेंटली तो सरकार ने यहाँ पर यह भी कह दिया था अपने लोगों को कि एक बार को दिन में बस एक ही मील खाओ, बाहर बहुत जरा कम निकलना है तुमको, बिल्कुल लॉकडाउन मेंटेन करके रखना है। COVID-19 को कैसे भी करके चाइना कंट्रोल करना चाहता है, तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम में हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट चाइना में हो। अगर वो रहते हैं वहां पे तो ऑब्वियसली वो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे। चाइना ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो हमारे रेगुलर कोर्सेज थे उनको ये ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देंगे, और कई इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय इंडिया में हैं वो जाना चाहते हैं चाइना में पढ़ने के लिए एग्जाम देने के लिए, उनको भी आ रही है काफी प्रॉब्लम। चाइना में ये इशू काफी हद तक बना हुआ है। उसके अलावा चाइना में आज के समय काफी मैं कहूँगा कमजोर यूनिवर्सिटीज भी है जिनके कुछ खास क्रेडेंशियल है नहीं, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट खूब बेचते हैं, तो कई इंडियंस हैं वो एक बार को ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लेंगे। तो भारतीय सरकार ने यहाँ पर ये भी कहा है कि चाइना के जो ऑनलाइन कोर्सेज आज के समय चल रहे हैं जिसमें वो सर्टिफिकेट देते हैं डिग्री देते हैं ये भारत में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है नो रिकॉग्निशन फॉर ऑनलाइन डिग्रीज फ्रॉम चाइना, और ये सब बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो चाहे यहाँ पर हमारे यूएस या फिर यूके जाते बहुत स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान चाइना में भी जाते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनका भी फ्यूचर खराब ना हो, उनको भी एटलीस्ट पहले प्रॉपर वार्निंग मिले, फिर उसके बाद उनकी मर्जी है जो भी वो स्टेप चूज करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे भारत सरकार ये सब इतना डायरेक्टली क्यों कह रही है, देखिए इसका मेन रीजन है रीसेंट जो यूक्रेन में एक्सपीरियंस हुआ था हमारा, दैट वाज हॉरिफाइंग। आप सबको पता है हजारों इंडियन स्टूडेंट्स को हमको निकालना पड़ा और अपने आप में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस था। पहले जो स्टूडेंट्स थे ये गए पोलैंड में, ये रोमेनिया के बॉर्डर पे, और फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन थे उन्होंने उनको पिकअप किया, इनको इंडिया में लाया गया। ऑपरेशन गंगा वॉज वेरी डिफिकल्ट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ये भी कहा था कि ये खुद सोच रहे थे कि कई इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन जैसे छोटे देश में पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं। अब हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि गलती स्टूडेंट्स की है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में ही इतनी हमारे पास फैसिलिटीज होनी चाहिए कि यूक्रेन जैसे छोटे छोटे जो देश हैं जहां पर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती थी, सबको बता रहा कि आज नहीं तो कल क्राइमिया के इशू को लेकर या फिर किसी और इशू को लेकर रशिया के साथ इस देश की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और इनिशियली आपको याद होगा कि काफी वार्निंग भी मिली थी कि यूक्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, रशिया माइट अटैक। तो यूक्रेन का एक्सपीरियंस देखते हुए भारत सरकार ने पहले ही ओपनली कह दिया है कि डोंट गो टू पाकिस्तान, कोई फायदा नहीं होगा, वापस आकर इंडिया में नौकरियां पढ़ाई प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ा पाओगे। प्रशांत धवन सर ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है डी बख्शीर। और बाकी बात कर लेते हैं एजुकेशन की, मुझे लगता है जैसे हमारे इंडिया में मेड इन इंडिया चल रहा है वैसे ही एक एजुकेशन इंडिया को भी प्रमोट करना चाहिए जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बनाए कॉलेज बनाए। अभी आप देखोगे यूक्रेन में मेडिकल की तैयारी करने जाते हैं, क्यों जाते हैं मेडिकल की तैयारी करने, क्योंकि वहाँ पे सस्ती है मेडिकल की पढ़ाई इंडिया के मुकाबले, इनकी विदेश में जाके सस्ती पड़ रही है। तो यहाँ भारत सरकार को एज बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स बनाने पड़ेंगे स्पेशली हाईएस्ट एजुकेशन के और हर फील्ड के, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, ताकि हमारे यहाँ एजुकेशन बढ़े और तभी हम बोलेंगे पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तो ये थी आज की मिक्स पैसिव रिएक्शन, आपको अगर मजा आया वीडियो देखने में तो मिक्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो दूसरी वीडियो में बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।